الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معجل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه ومن وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ونستعين سيئات أعمالنا يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني. अच्छा जी, आज आज किसी ने कहा कि आप तारीख भी बता दिया करें जिस दिन महफिल हो, ताकि वो शुरू में याद भी रहे. तो आज क्या तारीख है? 26 मार्च है. अच्छा, 26 मार्च 2023 है. रमज़ानुल मुबारक के महीने की आज चौथी शब है और रात तकरीबन 12:40 हो गए. तो हम बाहर शरीयत के अकायद का जो कोर्स कर रहे हैं, उसके बाहर शरीयत का जो पहला हिस्सा है, उसमें अकायद बारी ताला तौहीद के बारे में और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अकायद का हम पढ़ रहे हैं. तो इसमें हमारे दो अकीदों की तफसील हो चुकी थी पिछली वीडियो में. तो आज हम तीसरे को इंशाअल्लाह ताला समझने की कोशिश करेंगे. अकीदा नंबर 3 लिखा है, उसकी ज़ात का इदराक अकलन महाल है. उसकी माना अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की ज़ात का इदराक. इदराक कहते हैं किसी चीज़ को समझ लेना, नज़र आने वाली चीज़ को देख लेना, दाएं बाएं आगे पीछे. आजकल हम कह सकते हैं कि उसको 3D में देख लेना, उसको यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे से उसको पूरे हदूद अरबा उसके चारों तरफ से उसको सराउंडिंग समेत उसको समझ लेना कि इसके दाएं ये है, बाएं ये है, आगे ये है, पीछे ये है, ऊपर ये है, नीचे ये है, उसको पूरे तरीके से कवर कर लेना. इसको बोलते हैं इदराक. ये अरबी का लफ्ज़ है. तो इसमें जो वजाहत की गई है बुज़ुर्गों की तरफ से, तो कहा गया कि किसी चीज़ को नज़र आने वाली चीज़ को छः तरफ से देख लेना, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख लेना और समझ लेना, ये इसको इदराक कहते हैं. तो ये जाहिर सी बात है, आँख से होगा, कान से होगा, नाक सूंघने से होगा, हवा से खमसा के ज़रिए होगा. ठीक है, तो हवा से खमसा को मिलाएं तो अकल बनती है कि जो कुछ हम सूंघते हैं, जो कुछ हम देखते हैं और जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ छूते हैं और जो कुछ चखते हैं, पांचों चीज़ें, उनसे एक पिक्चर ड्रॉ होती है, एक जो है ना तस्वीर मुकम्मल होती है. मुकम्मल करने वाली कुव्वत को अकल कहते हैं कि अकल जो है इन पांचों मालूमात को जमा करके एक फैसला करती है, जुज़ियात को जोड़ के और एक कुल बनाती है, कंपोनेंट्स को जोड़ के एक समझ ले के कंपाउंड बनाती है, अल्फाज को जोड़ के समझ लो जुमला बनाती है. तो अकल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को ना तो देख सकते हैं हम आँख से, तो ना कान से उसको सुन सकते हैं, ना ज़बान से चख सकते हैं, ना हाथ से उसको छू सकते हैं अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह ताला की ज़ात को. तो हम उसका इदराक नहीं कर सकते, अकली तौर पे हम उसका इदराक नहीं कर सकते, यानी उसको हम पूरा पूरा समझ नहीं सकते, पूरा पूरा उसका हम पता नहीं लगा सकते, जैसे कि किसी चीज़ को समझ लेते हैं.
मिसाल के तौर पे ये फ़ोन है, तो मैं इसको अकलन समझ सकता हूँ कि इसका रंग ऐसा है, इसमें कलर ऐसा है, ठीक है, दाएं इसके ऊपर ये है, नीचे ये है, फिर यूँ इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई, अच्छा सख्ती है नरमी है, ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ, तो मैं अकलन इसको, मेरी अकल इसको समझ रही है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को अकल नहीं समझ सकती, यानी पूरी तरह इदराक कहते हैं, पूरी तरह समझ लेना, अकल में पूरा पूरा उसको ले लेना, उसको इदराक कहते हैं। तो फरमाते हैं सदर शरीया अल रहमा के उसकी ज़ात का इदराक, यानी उसकी ज़ात को देख लेना, समझ लेना, परख लेना, छू लेना, ये महाल है, अकलन महाल है ये, कि जो चीज़ महाल माना नामुमकिन, इम्पॉसिबल, कि जो चीज़ समझ में आती है अकल उसको मुहित होती है, कि जो चीज़ हमारे समझ में आ जाती है अकल उसको घेर लेती है, मुहित माना सराउंडिंग, उसको घेर लेती है पूरी तरह से, और उसका कोई इहाता नहीं कर सकता, यानी अल्लाह ताला का कोई घेर नहीं सकता अल्लाह ताला को, अलबत्ता उसके अफ़ाल के ज़रिए से इजमालन उसकी सिफात, फिर उन सिफात के ज़रिए से मारिफत ज़ात हासिल होती है। क्या मतलब हुआ इसका? अलबत्ता उसके अफ़ाल के ज़रिए से इजमालन उसकी सिफात, यानी अल्लाह तबारक व तआला की काम जो हम देख रहे हैं कि सूरज को निकालता है और ग़ुरूब करता है, बारिश बरसाता है, सब्ज़ा उगाता है, बादलों को चलाता है, कभी तूफ़ान आते हैं, कभी जलजले आते हैं, कभी मौसम बहार आता है, कभी मौसम ख़िज़ां आता है, मौसमों की तब्दीली, लोगों का ज़िंदा रहना, लोगों का पैदा होना, अशिया का जन्म लेना, अपने कमाल को पहुंचना, फिर फना हो जाना, फिर उसकी जगह दूसरी चीज़ों को ले आना, कायनात का सिलसिला चल रहा है ये, सूरज चाँद सितारे, हम खुद अपने आप को देखते हैं कि हम खुद ब खुद पैदा नहीं हो गए, हम तो किसी के फेल का असर है, तो ये सारे काम अकल कहती है कि इसको करने वाला कोई है, अकल इतना तो समझती है, यानी सारे काम हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो है ना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, यानी कोई, अकल इतना पता कर सकती है, अब वो कौन है उसका नाम नहीं जानती अकल, अकल इतना समझ सकती है, एक शख्स है उसको आप सहरा में ला के डाल दो, उसको जंगल में छोड़ दो, उसको ना कोई पढ़ाओ ना लिखाओ, कुछ भी ना करो, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको शऊर आएगा तो वो इतना समझेगा कि यार कोई तो है, मुझे किसने पैदा किया, यानी मैं कौन हूँ, मुझ में कैसी तब्दीलियाँ आ रही है, मैं बच्चा था बड़ा हो गया हूँ, मुझे निकल रही दाढ़ी आ गई, मैं बड़ा कैसे हो गया, कौन मुझे बड़ा कर रहा है, कौन मुझे, किसने पैदा किया, फिर आसमान को दिखेगा किसने पैदा किया, ज़मीन को दिखेगा किसने बनाया, अगर उससे सवाल किया जाए तो वो कहेगा भाई कोई तो है, मैं नहीं हूँ तो कोई तो है, मैंने तो नहीं किया, मैं खुद ब खुद पैदा नहीं हुआ, दरख्त खुद ब खुद पैदा नहीं होते, बादल खुद ब खुद नहीं आते, इतना वो समझेगा कि कोई है, कि अल्लाह ताला के कामों को देखकर, अफ़ाल को देखकर उसकी सिफात का पता चलता है कि कोई ऐसा है कि जिसकी ये सिफत है, कोई मारने वाला है, कोई ज़िंदा करने वाला है, कोई बारिश बरसाने वाला है, कोई धूप निकालने वाला है, सिफात है ना उसकी, तो कोई तसर्रुफ़ करने वाला है, क्योंकि सारे काम एक तरतीब से हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कोई एक ही है,
क्योंकि अगर वो देखता है कि दो शख्स जब किसी काम को करते हैं तो वहाँ पे बिगाड़ पैदा हो जाता है। खुद मुख्तार होके नहीं कर सकते, शरीक होके कर सकते हैं, सारे मिलके फैसला करने, भाई जो मैं करूँगा वो तूने उसकी मुखालफत नहीं करनी और जो तू करेगा मैं उसकी मुखालफत नहीं करूँगा, तब भी मर्ज़ी तो एक ही की चली, तो यानी एक ही हुआ ना, एट ए टाइम तो एक ही हुआ ना, तो कोई एक ही है, इतना वो समझ लेगा अकल में। अच्छा, इतना इदराक रखना यानी अकल से इतना समझना, ये हर अकल पर फ़र्ज आई। इसके लिए किसी नबी की हाजत नहीं है, इतना समझने के लिए सिर्फ अकल सलीम चाहिए उसको। तो जब हम उसके कामों को देखते हैं तो हमें मार्फते अफ़ाल हासिल होती है। अफ़ाल माना फ़ेल, फ़ेल की जमा अफ़ाल, काम। हम देखते हैं कि हाँ कोई तो है जो ये काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी टेबल पे खाना रखा हुआ है, कोई शख्स गया तो वो हरगिज़ ये नहीं सोचेगा कि ये खाना खुद ब खुद बन गया होगा, टेबल खुद ब खुद आ गई होगी और इसके कंपोनेंट्स, इसके अज्ज़ा खुद ब खुद एक जगह जमा हो गए होंगे, हांडी में आ गए होंगे, पक गए होंगे और उनमें जायका आ गया होगा, आग खुद ब खुद जल गई होगी, है ना, या ओवन की चीज़ है तो ओवन में खुद ब खुद चली गई होगी, ओवन खुद ब खुद ऑन हो गया होगा, ओवन खुद ब खुद बन गया होगा, कोई भी ये नहीं सोचेगा। खुद ब खुद का ज़ेहन किसी का नहीं बनेगा, बल्कि वो ये कहेगा अरे खाना किसने बनाया, खाना किसने रख दिया, खाना चक्कर बोलेगा अरे खाना बड़ा अच्छा बना है, किसने बनाया, हमेशा वो ये पूछेगा किसने बनाया। तो काम को देखकर काम वाला समझ में आता है, इसको कहते हैं मार्फत अफ़ाली, कि फेल को देखा कि ये फेल हुआ हुआ है, समथिंग हैज़ बीन डन, कुछ हुआ हुआ है, अब वो किसने किया है, इसका फाइल कौन है, करने वाला कौन है इसका, तो कुछ कोई तो होगा ना, तो इतना समझ में आता कि कोई है। तो और उसकी सिफात ये है कि उसको खाना पकाना आता है, इतना समझ में आएगा यार वो खाना पकाने का कुक है भाई, कोई अजनबी आदमी नहीं है, और किस दर्जे का कुक है उसका खाना बताएगा कि इस दर्जे का कुक है भाई ये। तो अहले मार्फत इस कायनात को देखते हैं, वो कहते हैं इस कायनात को देखो, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया हल तारा मिन फुतूर, क्या कायनात में आसमान और ज़मीनों में कहीं तुम्हें कजी और ख़राबी नज़र आती है, वलक़द ज़य्यन्ना समा दुनिया बिमसाबिहा, हमने देखो आसमान को चिरागों से सजाया, हाँ, और हमने शैतानों को मारने के लिए रुजूमल लिशयात ही नहीं, और हमने शैतानों को जो शहाबे साकिब गिरते हैं तो शैतानों को मार जो पड़नी पड़ती है उससे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों में, ज़मीनों में, हर चीज़ में अपने अफ़ाल के ज़रिए अपनी ज़ात की निशानियाँ छोड़ी है। तो अकल क्या करती है कि उन कामों को देखकर फेल के ज़रिए पहले फेल समझती है, उसके बाद अगला उसका स्टेप होता है कि वो भाई कोई है यानी जिसकी ये सिफात है, उसकी सिफात की मार्फत हासिल होती है उसको। और जैसे खाना पकाने वाला कोई, अभी हम उसका नाम नहीं पता कौन है, इतना पता चल गया कि खाना खा के हमें लगा यार ये हमें समझ में आ गया कि ये खाना किसी ने बनाया है, बनाने का फेल समझ में आया और बनाने वाले की सिफत समझ में आ गई कि बनाने वाला किस सिफत का माहिर, यार हम इस सिफत में माहिर है या कच्चा पक्का है, जैसा खाना है वैसा हम उसको समझेंगे कि भाई ऐसा है वो। अभी हमें उसकी ज़ात का नहीं पता, उसका नाम नहीं पता चला हमें, फिर हम जिस घर में जाएंगे तो पूछ लेंगे भाई ये खाना कहाँ से बनवाया, बोले जी फलन चिकन से, चिकन हाउस से बनवाया था, या घर में हमारे जो है घर वालों ने बनाया, तो पता चल जाएगा भाई घर वालों ने खाना बनाया है।
खाने की सिफत, उसका जायका, खुशबू, उसके रंगत, भाई जो देख के इंसान को खाने का दिल चाहता है यार ये खा लूँ, या खाने का दिल नहीं चाहता, आपको वो कैसा लगा, कैसे का जवाब सिफत है, और बनाने वाला कौन है, कौन का जवाब ज़ात है, ये क्या है, ये उस क्या हो रहा है भाई, ये तो फेल की मार्फत हो गई, फेल की मार्फत। फिर फाइल की सिफात का पता चलता है कि करने वाला कोई है, कोई है, लेकिन अभी नाम नहीं पता चला। तो इस कायनात को जब हम देखते हैं तो हमें ये जो काम नज़र आते हैं, मुख्तलिफ काम होते हुए, मौसमी तब्दीलियाँ हैं, मखलूकात का पैदा होना है, फना होना है, मर जाना है, अपने नुक्ता कमाल को पहुँचना है, एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो जाना है, कायनात में जो जो लोग गौर करते हैं उनको वहाँ से पता चलता है कि ये किसी हिकमत वाले के काम है जो ये कर रहा है, और कुदरत वाला है, वो पूरा कंट्रोल है उसका, समुंदर आबादियों पर नहीं चढ़ता, इसकी लहर आती है तो लगता है बस अभी ये ऊपर ही आएगी, लेकिन वो थोड़ी देर में वापस हो जाती है। क्यों, कैसे वापस हो जाती है, कौन लेके जाता है उसको? इन सवालों का जवाब हमने साइंस से हासिल किया तो साइंस ने हमें बताया भाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, समुंदर के अंदर एक करंट चलता है जिससे लहरें कंट्रोल होती है, क्योंकि लहरें फेंकता भी है समुंदर और समेटता भी है, तो वो कैसे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है समुंदर के अंदर। इसी तरह ये जो परिंदे चलते हैं, परिंदों को कोई ये जो ना बताने वाला नहीं है कि रास्ता इधर को जाता है कि उधर को जाता है, निकलते हैं अपने घर वापस आते हैं, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो ये भी वो समझ लें कि एक नेविगेशन का निज़ाम है कायनात का, कि वो ज़मीन से ही समझते हैं, हालांकि वो अकल नहीं समझ, अकल तो उनमें है नहीं, लेकिन इतना इदराक अल्लाह ने उनमें रखा है कि वो ज़मीन से अपनी डायरेक्शन का पता कर लेते हैं। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, हमारी तमाम फ्लाइट्स इसी पे चलती है, पूरा नेविगेशन सिस्टम इसी पे चलता है हमारा, वरना हम समत को खो दें कि हम कौन सी समत में, हमें पता ही ना चले। तो कोई ऐसा बनाने वाला है और वो कुदरतों का मालिक है और बड़ा हकीम है, हिकमत वाला है और बड़ा, बहुत बड़ा इल्म वाला है, तो अलीम, समी, बसीर, कदीर, कादिर, हकीम, हलीम, जब्बार, कहार, ये उसकी सिफात, उनके अफाल से हम, उसके अफाल से हमें पता चलती है। तो फिर हम देखते हैं जो ऐसा है वो कौन है, कौन का हमें पता नहीं चल सकता अकल से। तो इसकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को भेजा कि वो अल्लाह है, उसका नाम अल्लाह है, तुम जिसको देख रहे हो ना कि सारे काम वो कर रहा है, तो उसका तुम्हें वैसे तारुफ नहीं हो सकता, ऐसी बात है, वो ख़ुद तो किसी के सामने आता नहीं, उसने अपने नुमाइंदे रखे हुए हैं अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अजमाइन, उन्होंने आकर ख़बरें दी, क्योंकि ये गैब की बातें सारी, तो उन्होंने आगे बताया भाई उसका नाम अल्लाह है, उसकी सिफात ये हैं, फिर उन्होंने खोल के बताया कि वो रहमान है, रहीम है, छुपी छुपी बातें जो कि अकल में नहीं आ सकती थी वो उन्होंने खोल के बता दी, तो यूँ मार्फत ज़ात हासिल हुई। तो मार्फत के तीन स्टेप हुए, पहला कामों की मार्फत, इसको मार्फत अफाली कहते हैं, एक सिफात की मार्फत के करने वाला कोई है उसकी ये सिफात है, तो मार्फत सिफात हासिल हुई। तीसरा ये कि मार्फत ज़ात हासिल हुई कि वो कौन है, कौन, तीसरे स्टेप पे जाकर उसकी ज़ात का पता चला। यही इरशाद फरमा रहे हैं कि उसकी ज़ात का इदराक अकलन महाल है, कि अकल से उसकी ज़ात को नहीं समझा जा सकता, अकल ये नहीं कह सकती कि उसका क्या नाम है, तो कैसा है, पूरी तरह हमें उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता ठीक ठीक,
हुजूर यहाँ लिखा हुआ है कि इजमालन उसकी सिफात, फिर उन सिफात के जरिए से मार्फत पे ज़ात हासिल होती है, तो सिफात की मार्फत भी क्या पूरी तरीके से हासिल नहीं हो सकती? नहीं, पूरी तरीके से कैसे हासिल होगी भाई? जितनी हमारी अकल है, अब एक मार्फत तो समुंदर है ना, और हर बंदे के पास अपना अपना जग, अपनी अपनी बाल्टी, अपना अपना बर्तन, अपना कप, ये उसकी अकल का पैमाना है। जैसे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, अंबिया कराम को जो मार्फत हासिल होती है वो उनके लिए हासिल होती है कि उनकी अकल इतनी ही बड़ी है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है ना। उनको उनके लिहाज से मार्फत हासिल होती है, अकल सलीम के लिहाज से। हमें हमारी अकल के लिहाज से मुन्ने मुन्ने हैं छोटे छोटे, तो हमें थोड़ी थोड़ी मार्फत हासिल होती है। सिफात की जो मार्फत होती है, क्या जो आम लोग होते हैं उनमें क्या किसी, जैसे औलिया कराम होते हैं या फिर और उनके मुरीदीन हैं, तो कोई एक सिफत की मार्फत हासिल होती है या कुछ चंद एक सिफात की मार्फत हासिल हो जाती है उनको, उनका क्या मामला? हाँ, ये है कि इसमें इजमालन तो जिन सिफात से हमारा वास्ता पड़ता रहता है, रिस्क मिलता है, अच्छा ज़िंदगी मौत, उसकी हिकमत, उसकी कुदरत, बारिश बरसाना, बादलों को चलाना, ये सब जो हम अपनी अकल से देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, ये तो तकरीबन सब में कॉमन है। सब में जो जो गौर करेगा तो उसको पता चलेगा। फिर ये होता है कि किसी को किसी एक बात की ज़्यादा मार्फत हासिल हो जाती है, जब वो तजल्ली उस पर आती है सिफात की, जैसे किसी को अता की मार्फत हो गई, अल्लाह ताला ने उसको नेमतों की बरसात कर दी उस पर, बासित, मुअती, मुनइम, रज़्ज़ाक, ये सिफार उसको, माल भी आ रहा है, दौलत भी आ रही है, पैसे भी है, औलाद भी है, रोज़गार भी है, सेहत भी है, सब नेमतें ही नेमतें, तो उसको नेमत देने वाले का भी पता चलेगा भाई नेमत का है, ये नेमत अल्लाह ने मुझे दी है। इसके दूसरी तरफ जो जो सिफत है वो क्या है? वो काबिदों की है, मुजिल्लू की है, कहार और जब्बार की है। तो जिस पर वो आती है उसको उन सिफात की मार्फत हासिल होती है ज़्यादा। जिसको लोग जलील कर रहे होंगे उसको पता चलेगा यार ये अल्लाह की तरफ से आ रहा है, तो अल्लाह ताला भाई मुजिल भी है, वो जलील भी करता है बंदे को, मुइज भी है, इज्जत भी देता है तो जलील भी करता है। तो जिस सिफत से उसका वास्ता पड़ता जाता है उस सिफत की उसको ज़्यादा मार्फत हासिल होती लगती होती जाती है। और वो जो वज़ाइफ करता है अल्लाह ताला को नाम उसका वजीफा है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस वजीफे को वो पढ़ेगा उसी की मार्फत, उसी की तजल्ली उसकी तरफ मुतवज्जो होगी, ठीक है। तो अगर उसको आमतौर पर रिस्क चाहिए, सालिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो एक जाकिर की बात करूँ जो जिक्र करना चाहता है। अब वो चाहता है कि भाई मुझे माल और दौलत हासिल हो, तो वो या मुनइम या मौती या रज़्ज़ाक या करीम या लतीफ़ या रऊफ़ या रहीम या रहमान, ऐसे नाम वो पढ़ेगा, तो उसको इन अस्मा की तजल्ली, यानी इन अस्मा का जो अफ़ाल है उस पर रोशन हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको किसी को दुश्मन से इंतकाम लेना है तो आप या मुंतकिम पढ़ेंगे, दुश्मन को जलील करना है तो या मुजिल्लू पढ़ेंगे। इसी तरह दुश्मन के लिए जो आप चाहेंगे कि काबिद, अल्लाह ताला उसकी नेमतों को रोक ले, उसको जलील करे, उसको रसवा करे, चाहे वो ज़ाती दुश्मन हो या वो दीनी दुश्मन हो, है ना। तो वो सिफात जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तजल्ली
जिस पर आप करवाएंगे, या अल्लाह उस पर हो ये तजल्ली, तो उस पर होगी तो भी आप देख लेंगे कि हाँ भाई अल्लाह तबारक व तआला की ये तजल्ली उस पर हो रही है। जैसे आपने या मुमीतु पढ़ा किसी के लिए, अल्लाह इसको मार दे, अब वो भले बीमार भी हुआ तो आप बोलेंगे देखा आ गया ना, अच्छा मरेगा तो वो अपने टाइम पर ही, लेकिन जैसे गोली से मारते हैं तो मर जाते हैं ना, तो इसी तरह वज़ाइफ से भी मर जाते हैं लोग, वज़ाइफ से, काली पीले अमल से भी मर जाते हैं, जादू से भी मर जाते हैं लोग, मरते हैं ना। तो इस पे तो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, जादूगर तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हाँ जाओ 2 बजे मर जाएगा तुम्हारा बंदा, हमारा शिकार इतने बजे मरेगा। और अगर ऐसे भी बड़े बड़े फिरौनों के दावे सुने मैंने कि वो पैसे लेते थे और कहते थे जाओ, माज़ल्ला कुफार थे, जाहिर सी बात है, नकले कुफर कुफर ना बाशर, तो वो कहते थे भाई ये पैसे रख जाओ और 9 बजे अगर वो मर गया तुम्हारा दुश्मन तो मैंने मारा, और 9:01 पे मारा तो माज़ल्ला फिर कहते फिर अल्लाह ने मारा, फिर मैंने नहीं मारा, आपने पैसे ले जाना वापस। ऐसे भी लोग होते थे, तो उनके कब्जे में जिन्नात होती है तो वो उसको ठीक टाइम दे देते, अबे 9 बजे मार दियो, पैसे रखे यहाँ पर, तो जैसे गले में 9 बजेंगे वो उसका गला दबाएगा, कुछ करेगा, जिन्नात होते हैं ना ऐसे लोगों के पास, तो वो ये फिर बड़े बड़े दावे भी करते हैं, खुदाई दावा शुमार होता है ये। तो उनके पास ये ताकतें हैं, अब अल्लाह ताला ने शैतान को जो ताकत दी है वो अल्लाह ने दी है ना, हमारी आजमाइश के लिए, और उसकी भी आजमाइश है इसमें। तो जिन्नात को जो ताकत है, कुफार जिन्नात को, उनके उसमें उनकी आजमाइश है, तो ये तो है। तो सिफत किसकी जाहिर हो रही है? अल्लाह ताला की, मुमीत की। काम कोई भी कर रहा है, फाइल हकीकी कौन है, असल करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। कोई किसी की ताजीम कर रहा है तो इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। जरिया कौन बन गया? बंदा। कोई किसी को जलील कर रहा है तो जिल्लत देने वाला कौन है? वो भी वही ज़ात है, लेकिन जरिया कौन बन गया? दुनिया, दुनिया का कोई आदमी, कोई चीज़ वसीला बन गई उसके लिए। तो वो ये सारी फिर मार्फत उसको हासिल होने लगती है कि वसीला कौन है और इसके पीछे असल ज़ात कौन है। तो फिर वो जो ये समझ लेता है, वो किसी मखलूक को पूजेगा नहीं, कहेगा नहीं नहीं बुतों को तो वो गाजी नहीं डालेगा, यार बुतों हम खुद बनाते हैं, ये तो हटाओ साइड पे। बाकी कौन है? फरिश्ते हो गए, जिन्नात हो गए, बोला नहीं ये भी ज़राए हैं, वसाइल हैं, ये माबूद नहीं है। नहीं करे ना करे उसकी, यानी आप अपने मिजाज की बात है, अगर वो माफ़ करने का मिजाज उस पर गालिब है तो वो बददुआ नहीं करेगा, लेकिन नुकसान की दुआ तो देखो अंबिया के नाम ने भी की, अपनी उम्मतों के लिए की ना की। तो दुआ और बददुआ करना तो बंदे के इख्तियार की बात है, लेकिन वो किससे कर रहा है दुआ और बददुआ? अल्लाह ताला से कर रहा है ना, या अल्लाह इसके हक में ये कर दे, इसके हक में ये कर दे। तो मारफत ज़ात जो है वो सिफात के बाद आती है, पहले फ़ेल के ज़रिए सिफात समझ में आती हैं कि कोई ऐसा है कि जो जिसकी ये सिफात है, और फिर वो कौन है, कौन पे जाके हमें फिर दीन और वही की ज़रूरत पड़ती है कि हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो अल्लाह है। सर हर उम्मत को उसके नबी ने नाम बताया कि वो अल्लाह है जो ये काम कर रहा है। अच्छा जी, तीसरा अकीदा हमारा मुकम्मल हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इदराक अकलन महाल है, यानी नामुमकिन है। अल्लाह ताला का नाम कोई अकल से नहीं बूझ सकता कि वो कौन है,
ذات اسکی کیسی ہے، اسی طرح اس کے صفات کا بھی پورا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے آنکھ کھولے گا بندہ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی کام سمجھ میں آئیں گے کہ یہ کام ہوئے ہوئے، میں خود پیدا ہوا ہوں، یہ ساری مخلوق پیدا ہوئی ہے، موسموں کا بدلنا، زمین و آسمان میں دے گا، سورج چاند ستارے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیے ہیں، یعنی کسی نے پیدا کیے ہیں، پھر کسی سے وہ آگے جائے گا کہ وہ پھر کیسا ہے، اس میں حکمت ہے، وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھوڑا تھوڑا تھوک کر کے وہ سمجھے گا، پھر بھی نبی اکرم یا اپنے دور کے نبی کا محتاج ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے، کہ وہ ذات جو کہ اپنے دور میں ان کے نبی ہوئی، تو ہر نبی نے پھر آگے اپنے لوگوں کی رہنمائی فرمائی کہ جو تم کو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو مارتا ہے، جو جلاتا ہے، جو اٹھاتا ہے، جو سلاتا ہے، جو جگاتا ہے، جو رلاتا ہے، جو ہنساتا ہے، وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اللہ ہے۔ تو ذات کا پتہ، ٹھیک ٹھیک پتہ نبیوں سے ہی چلا، اور عقل وہاں آ کے فیل ہو گئی۔ عقل نے کیا سمجھا؟ فیل سمجھا تھوڑا بہت، اور اس کے بعد فیل سے وہ اس نے کیا سمجھا؟ صفات کو سمجھا۔ تو یہ تین سٹیپ میں معرفت ہے، سب سے کم معرفت فیل کی معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کے کام سمجھ میں آ رہے ہیں، دوسرے میں کہ یہ کام کرنے والا کوئی ہے جس کی یہ صفات ہے، اور تیسرے پہ جا کر وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے۔ تو ذات کو صفات سے سمجھا جا سکتا ہے، اور صفات کو افعال کے ذریعے، کاموں کے ذریعے۔ تو یہ تھری سٹیپ معرفت آئی ہے، پہلا سٹیپ افعال کی معرفت، اس کو معرفت افعالی کہہ دیتے ہیں، دوسرا سٹیپ معرفت صفات، ٹھیک ہے، اور تیسرا سٹیپ معرفت ذات۔ انبیاء کرام نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام السلام نے اللہ سے کلام کیا، تو یہ عقل میں تو نہیں آئے گی نا یہ بات، انہیں کیسے پتا چلا کہ میں جس سے کلام کر رہا ہوں وہ رب کی ذات؟ یہ تو دیکھیں، انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں جو ڈالتا ہے، یہ یعنی قدرتی طور پہ ان کو سمجھ میں آیا، عقل میں آیا کہ یہ رب کا ہی کلام ہے، یہ رب ہی ہے میرا جو اس پودے کے ذریعے مجھ سے کلام ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ جو کلام ہو رہا تھا کس کیفیت کا کلام تھا، وہ کیا ہیبت، کیا روب، کیا دبدبہ، کیا جلال، کیا جمال اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی ذات کی گواہی تو کوئی نہیں دے گا، کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، بھائی یہ اللہ تو اس سے بات کر رہا ہے، اب کیا پتہ وہ فرشتہ خود فرشتہ ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ وہ شیطان ہی ہو، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر دلیل کوئی نہیں بن سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دلیل خود ہے۔ تو وہ جب اس نے کلام فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہوا کہ جیسے اس بات کا یقین ہوا کہ کوئی کلام کر رہا ہے نا، اس بات کا یقین ہوا کہ یہ آواز اس پیڑ میں سے آ رہی ہے، تو اسی طرح یہ بھی یقین ہوا۔ اصل میں وہ یقین کرنے کے لیے ہوا سے بات نہیں چاہیے، جو عام آدمی میں نہیں ہوتے نبی میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبوت عطا کرتا ہے، عالم ارواح میں اس نے نبوت عطا کی نا، نبی تو اسی وقت بنا دیا اس نے، عالم ارواح میں نبوت کی تقسیم ہو گئی کہ فلاں 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 کو فلاں جگہ کا نبی بنایا جائے گا،
तो अरवाह को कुछ सिफात अता हुई। आम लोगों को हवा से खमसा आता हुए, चखना, छूना, सुनना, देखना, बोलना, ऐसे ही है ना। ये पांच हवास हर इंसान को अता हुए, ज़ाहरी हवास। बातनी हवास भी है हमारे, खुशी महसूस करना, गम महसूस करना, अकल, समझदार होना, अकल रखना, ठीक है। इसी तरह मार्फत रखना, समझदारी। तो ये सब जहानत, जहीन होना या बेवकूफ़ होना, ये सब है ना। किसी के कान बहुत बड़े हों तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार समझ जाएगा वो, कान बड़े हैं उसके। तो किसी की आंखें बड़ी है तो ज़रूरी नहीं कि वो अंदर की बातें भी देख लेगा, लोगों के अंदर भी देख लेगा, वो बसीर हो जाएगा। नहीं, वो नाज़िर हो सकता है, बासिर हो सकता है। वो ज़ाहरी हवास अलग हैं और बातनी हवास अलग हैं। अंबिया किराम को जो बातनी हवास अता होते हैं, ज़ाहरी हवास और बातनी हवास, उनका मामला बिल्कुल ही अलग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू पोशीदा नहीं है। तुम क्या समझते हो कि मैं सिर्फ सामने ही देख रहा हूँ? ना मुझ पर तुम्हारा रुकू पोशीदा है और ना तुम्हारा खुशू। रुकू तो झुकने को बोलते हैं, खुशू कहते हैं दिल दिल में अल्लाह का खौफ होना, दिल की कैफियत को खुशू कहते हैं। तो ना तुम्हारी ज़ाहरी हालत मुझ पर पोशीदा है और ना तुम्हारी बातनी हालत मुझ पर पोशीदा है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस मज़मून का इरशाद। तो वो देखते हैं, उनको वो हवास आता होती है जो आम बंदे को हवास आता नहीं होते। वो फरिश्ते को देख लेते हैं, आम बंदा देखेगा अंधा हो जाएगा, देख नहीं सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो देखता था तो उनकी असली शक्ल में अंधा हो जाता, ताब नहीं ला सकता था। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है, शायद एक सहाबी, या तो यही है, क्योंकि ये भी आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इनका है, या एक और मुफ्ती आमिर अल खसम नईमी रहमतुल्लाह ने लिखा कि इन्होंने अर्ज़ की थी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम दिखा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो इनको मना फरमाया, फिर दिखा दिया और कहा कि इसको देखने वाला नबीना हो जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना बरकत थी कि वो उस वक्त तो नहीं हुए, लेकिन आखिरी उम्र में फिर उनकी बसारत चली गई। ऐसे वो तो अंबिया किराम में से कोई भी नाबीना नहीं होते, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में जो कहा जाता है कि वबियद्दत ऐनाहु मिन हुज़्नी, कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गई, तो उसके बारे में उलमा मुहतातीन फरमाते कि नाबीना नहीं हुए थे, उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। क्योंकि बिल्कुल नाबीना हो जाना ये ऐब है, और ये अंबिया किराम को अल्लाह ताला ऐसे अयूब से पाक रखता है। तो जिस तरह उनमें ज़ाहरी ऐब नहीं पहने हो यानी पैदा होने देता अल्लाह ताला, इसी तरह बातनी उनको ऐसा कमाल अता करता है, बातनी हवास उनको ऐसे अता होते हैं। अब आगे जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात को देखें, एक झलक उसकी, एक मरतबा, ये भी तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे, तो एक धमाके की आवाज़ आई। फरमाया कि ए मेरे सहाबा, तुम जानते हो ये किसकी आवाज़ है? तो अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते। फरमाया ये उस पत्थर की आवाज़ है जो आज से 70 साल पहले
जहन्नम के किनारे से लुढ़काया गया था जहन्नम के अंदर। तो अब 70 साल के बाद इसकी तह में पहुंचे, उसके धमाके की आवाज आई, पता ही हमें आती है, ये आवाज सहाबा किराम ने भी सुनी। मुफ्ती आमिर यार खास नईमी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में लिखते हैं, शरह में फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा और उनकी महफिल की बरकत ऐसी थी कि उनको भी सुना दी आवाज़, तुम भी सुन लो, है ना। तो वो जो दिल में हो रहा है, दिल में क्या हो रहा है, वो दिल को जानती है। उनकी आँख वो सिर्फ नहीं देखती जो हमारी आँख देख लेती है, बल्कि उनकी आँख वो भी देख लेती है जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। उनके कान सिर्फ उतना ही नहीं सुनते जितना हमारे सुनते हैं, बल्कि वो सुनते हैं जो वहाँ जहाँ तक हमारा गुमान नहीं होता। फरिश्तों को देखो ना, अल्लाह ताला ने क्या क्या सिफात दी हैं। अब एक फरिश्ते के बारे में आता है आकद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबान फरिश्ता, कि जो कब्र अनवर के पास खड़ा है और कायनात में कहीं पर भी कोई दुरूद पड़ता है, वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बंदे का नाम और उसके बाप का नाम बताता है और वो दुरूद पहुंचाता है कि सरकार फला बंदे ने आपका नाम लेकर, उसका नाम ये, उसके बाप का नाम ये, वो ये दुरूद शरीफ आपकी बारगाह में उसने भेजा, पढ़ रहा है। अब बताइए कायनात में कौन कब दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, कोई अंदाज़ा लगा सकता है। और उस फरिश्ते को अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया, सुपर कंप्यूटर, कहाँ से आवाज़ आ रही है, उसका नाम क्या है। अच्छा, पढ़ने वाला अपना नाम थोड़ी बता रहा है, वो फरिश्ते मेरा नाम ये है बता दियो, मेरे बाप का नाम ये है, वो तो पढ़ रहा है बस दुरूद शरीफ। उस फरिश्ते को पता है ये कौन है, इसके बाप का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और इसने कब दुरूद शरीफ पढ़ा, दिन में कितनी दफा पढ़ा, कितने वक्त पढ़ा, नमाज में पढ़ा, नमाज के बाहर भी पढ़ा। तो वो एक फरिश्ता है और अल्लाह ताला ने उसको क्या सलाहियतें दे दी उसको, तो उसके हवास आम फरिश्तों के हवास से ज़्यादा ताकतवर बना दिया अल्लाह ताला ने। तो अंबिया किराम को जो कुव्वत मिलती है, जो ताकत मिलती है, उसका तो कोई हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सहाबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, कि एक मरतबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए फजर के बाद और खुतबा दिया जोहर तक, फिर जोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर खड़े हुए, फिर खुतबा दिया असर तक, फिर असर पढ़ी, फिर खुतबा दिया मगरिब तक, फिर मगरिब पढ़ी, खुतबा दिया इशा तक। फरमाया कि जब से कायनात अल्लाह ने बनाई है, रोज़ अव्वल से लेके और क़यामत तक के वाक़यात बता दिए और इसके बाद के भी बता दिए, व नसिया व हाफिज़ा मन हाफिज़ा व नसिया मन नसिया, तो जिसने याद रखा उसको याद रह गया और जिसने जो भूलना था, जिसने भूला था वो भूल गया। अब ये भी करा, ये भी एक जो ना मौजज़ा किए, इतने कम वक्त में इतने सारे वाक़यात बता दिए, जो सीधा सीधा वाक़यात बता दिए। एक सहाबी फरमाते हैं कि परिंदा पर नहीं मारता लेकिन सरकार ने हमें उसकी खबर दी है इतने कम वक्त में, तो हम में ज़्यादा इल्म वाला वो है जिसको वो खुतबा ज़्यादा याद है, तो खबर दे दी। वमा हुआ अलल गैबी बिज़नीन, और ये नबी गैब की बातें बताने में कंजूसी नहीं करते। तो अंबिया किराम को जो सिफात अता होती हैं उनका दूसरा आदमी अंदाज़ा ही नहीं कर सकता। हाँ ये है कि देखें जिस तरीके से बिला तशबीह बता रहा हूँ मैं, बिला तशबीह बिला मिसाल, कि हर खेल के कुछ उसूल होते हैं, हर काम के कुछ उसूल होते हैं। फुटबॉल में आपको हाथ से कुछ नहीं करना, क्या आपके हाथ बेकार है? नहीं,
पाँव से करेंगे, सीने से करेंगे, सर से करें, कमर से करें, जहाँ से करें, हाथ नहीं लगा रहा, हाथ लगाए फाउल हो जाएगा, ऐसे ही है ना, उसूल है। तो जो फुटबॉल खेलने उतरेगा उसके हाथ हैं लेकिन वो इस्तेमाल करने का की इजाज़त नहीं है, उसको इजाज़त नहीं है, इस्तेमाल नहीं करेगा वो, हाथ की ताकत उसके पास है। अच्छा रेफरी कर लेगा, अपने वो गोलकीपर कर लेगा। इसी तरह क्रिकेट है, किसी उसूल के तहत आप आउट कर सकते हैं, कैच पकड़ सकते हैं, बाउल करा सकते हैं उसके, यानी बाउल को आप जो है वो बॉल को आप खेल सकते हैं उसूल के तहत। उसूल से हटके करेंगे माना नहीं जाएगा, नहीं भी हम नहीं मान रहे ये नहीं हुआ, आउट नहीं हुआ, ये उसूल के तहत है ना। अंबिया इकराम को बिला तशबीह, बिला मिसाल, बहुत ज़्यादा कुव्वतें देकर, बहुत ज़्यादा ताकतें देकर, हवासे खमसा ज़ाहरी और बातनी उरूज पे पहुँचा कर इस दुनिया में उतारा गया, लेकिन बशर की हैसियत से उतारा गया कि आपने बशर की हैसियत से रहना। तो उन्होंने अपनी हैसियत से तजावुज़ नहीं किया, पता होने के बावजूद नहीं बोलते थे। कि अल्लाह ताला भी तो नहीं जो है ना वो कलाम फरमाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर अंबिया किराम के बारे में वो ऐसे उन्होंने बिहेव किया जैसे उनको कुछ पता नहीं है, आम आदमी की तरह, वो पार्ट ऑफ द गेम, वो हिस्सा है, क्योंकि दुनिया के कुछ उसूल है, यहां पर हर चीज एक तरीके से चलेगी। अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कुछ मुनाफिकीन आए, सहाबा किराम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, सरकार हमारे कबीले वाले इस्लाम हासिल जो है ना इस्लाम की तालीमात हासिल करना चाहते हैं, आप अपने किसी सहाबा कोई सहाबी हमारे साथ भेज दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टीम भेज दी, उन्होंने जाके सबको शहीद कर दिया, एक वाक्या पूरा। तो इस पर कोई एतराज़ करता है कि देखो नबी अलैहिस्सलाम को ना गैब नहीं पता था, अरे तुझे कैसे पता चल गया कि उनको नहीं पता था, ये तुझे पता है कि उनको नहीं पता था, क्या बात है, ये तुझे पता है कि उनको नहीं पता था। तुझे पता है कि उनके सीने में कितने इल्म है, कितना नहीं, कितना बड़ा दावा कर रहा है ये कम्बा, क्या प्यारा है। हाँ तुझे पता है कि उनको नहीं पता, उनको नहीं पता, तुझे कैसे पता चल गया अभी कि उनको नहीं पता था, वो बोले नहीं तो अल्लाह ताला भी तो नहीं बोला, उसने कहा कलाम किया, वो रोक देता है महबूब इनके साथ नहीं भेजना, ये तो शहीद कर देंगे ले जाके इनको तुम्हारे सहाबा को, होने दिया ठीक चलने दो, शहादत भी अच्छी बात है। जैसे अल्लाह ताला ने प्लान किया है दुनिया को कि ऐसे चलेगी दुनिया, अंबिया किराम उसमें रुकावट नहीं डालते, अपने इल्म, उनको इल्म इसलिए नहीं दिया गया कि वो कारखाने कुदरत में रुकावट डालें, बट लेट इट फ्लो, चलने दो इसको, ऐसे ही होने दो, होगा ऐसे ही होगा, ये जाने दो उसको, अपना तसर्रुफ इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते, या तो इजाज़त नहीं है या इजाज़त होती है तो वो कहते हैं भाई हम क्यों करें, मालिक को मालिक जाने बंदे जाने, हम बीच में क्यों आए, यानी वो अपना बंदा बन के रहना पसंद करते हैं, मर्जी चलाना नहीं पसंद करते। किसी को औलिया पर भी कयास कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। औलिया किराम की तो बात वही है ना कि हर नबी के जो मातहत मौजज़े होते हैं वो औलिया किराम की करामतें होती हैं, औलिया किराम को कोई अलग से नहीं मिलता, इनको नबी के फैज़ से फैज़ मिलता है, ये क्योंकि नबी के मातहत होते हैं ये अपने वक्त के, यानी आसिफ बिन बरखिया जो तख्त लेकर आए थे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो उनके हाथ पे बतौर करामत ज़ाहिर हुआ, असल बात ये है।
और नबी के पास अपना क्या यानी इख्तियार है, वो तो अल्लाह का इख्तियार जाहिर करता है नबी, तो करामत भी अल्लाह का इख्तियार है और मौजज़ा भी असल में अल्लाह ही का इख्तियार है, ये दोनों तौहीद पर दलालत करते हैं, निशानी अल्लाह ताला की, असल बात ये। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफात अपनी मखलूक के ज़रिए तो ज़ाहिर की हैं, ख़ुद तो वो किसी के सामने नहीं आता, ना कोई ताब ला सकता उसकी, तो वो अपनी सिफात अपनी मखलूक में ज़ाहिर करता है। तो इसलिए मूसा कलाम ने कलाम किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीदार किया, मुलाकात की, कलाम भी किया, बाकी अम्बिया कराम को इन चीज़ों का ना मिलना किस बात की तरफ इशारा करता है? सभी को देखना चाहिए था, सभी अल्लाह के खलीफा, बिल्कुल बिल्कुल सभी अल्लाह के खलीफा थे। यूँ है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी पर कोई फजल करता है, किसी पर कोई, किसी पर कोई, तो फजल का उसके फजल पर उससे सवाल नहीं हो सकता कि या अल्लाह ये फजल तूने मुझ पे क्यों नहीं किया। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, एतराज़ नहीं होगा कि एतराज़ नहीं होगा कि वो नबी वो चीज़ बता रहा है जो खुद उसने देखी ही नहीं है, वो बता रहा है इंसानों को अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ताला ये, अल्लाह ये, क्या अल्लाह, खुद तो नबी ने देखा ही नहीं। ना देखे, देखने से ना देखने से क्या होता है, जब मुखबर सादिक उसको बता रहे हैं यानी नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला की वही से मुत्तसिफ हो रहे हैं, वही उनको आ रही है, तो वही से उनको इदराक तो हासिल हो रहा है ना, बातचीत हो रही है ना। सही। जैसे आप बिला तशबी फ़ोन पे किसी से बात करते हैं और आपको यकीन होता है जी फला बंदा है, आप को इदराक है, आपको पहचान है कि कौन बात कर रहा है, किसी को आप इतना जानते हैं कि उसकी आवाज़ सुन के आपको उसका पता चल जाता है कि ये वो है, फ़ोन पर देखा नहीं आपने, आगे आप बात कर देते हैं तो हो जाता है। तमाम अंबिया को तो वही नहीं आई, वो क्या उनको पे क्या दलील होती है जिनके पास, जिन अंबिया को वही नाजिल नहीं हुई, बहुत से अंबिया ना वही नाजिल नहीं हुई, ऐसे सब पर वही नाजिल, हाँ, ऐसे कौन से नबी हैं जिन पर वही नाजिल, किताबें जो है ना वो चार है, हाँ नहीं किताबें, किताबों का चार होना अलग है, शरीयत अलग होना और है। जी जी, शरीयत की जो किताबें हैं वो अलग हैं, शरीयतें चार हैं जैसे, ठीक है, बड़ी बड़ी, तो शरीयत का माना होता है दीन के मामलात का एक कानून, कि भाई नमाज ऐसे पढ़ेंगे, रोज़ा ऐसे ऐसे रखेंगे, हज ऐसे करेंगे, ज़कात ऐसे देंगे, तिजारत ऐसे होगी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हमको बताया और हर नबी ने अपने दौर के लिहाज से इसके उसूल बताए, तो शरीयतें बदलती रहीं, लेकिन वही के बगैर तो नबी हो नहीं सकते, नबी को नबी की तारीफ ही ये है कि वो बशर, वो मर्द जिस पर अल्लाह तबारक व तआला वही नबूवत फरमाए, वो होता है नबी, कि तुम नबी हो, नबी वही के बगैर नहीं होते, फिर तो उसको कन्फर्म हो गया ना साथ को, हाँ तो कन्फर्म हो गया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, मर्द है, उसको को वही आती है कि तू मर्द है, वाह क्या बात, उसको पता चलता है मैं मर्द हूँ, चलता है मर्द हूँ, मैं औरत नहीं हूँ, पता चलता है ना उसको, मैं अकेला हूँ, बालिग हूँ, मैं कौन हूँ, उसको इदराक अपना होता है ना। अंबिया किराम को भी अपने नबी होने का इससे लाखों दर्जे बड़ा इदराक होता है, ये नहीं कि उनको शक होता है कि पता नहीं मुझे कौन वही आई है, वही है भी कि नहीं, कहीं शैतान तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं धोखा तो नहीं हो रहा मेरे साथ, ना 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 ना, क्लियर कट उनको यकीन होता है कि ये अल्लाह की तरफ से है, और वो फ़र्क करते हैं।
यानी हम उनको अपने ऊपर कयास नहीं कर सकते कि हमें शक होता है, क्योंकि हमारी अकल थोड़ी है, हमारी बसीरत बसारत कुछ भी नहीं है, एक कोई हैसियत ही नहीं है हमारी एक नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके मुकाबले में किसी भी नबी के मुकाबले में किसी उम्मती की अकल और शऊर के कोई हैसियत नहीं है। जो उनको पता है वो उम्मतियों को नहीं पता, जो उनका इदराक है। इदराक आप यूँ समझ लें जैसे मिसाल के तौर पे बिला तशबी, कुछ जायके ऐसे हैं खाने में जो सिर्फ जानवरों को समझ में आते हैं, हमें नहीं समझ में आएंगे। अब आप चारा खा सकते हैं, भैंसों का चारा तो बड़े शौक से खाती है, हम तो बोलेंगे भाई हमें समझ में नहीं आ रही क्या है। अच्छा शेर घास खाता है, बकरी बड़े शौक से खाती है, शेर बकरी बड़े शौक से खाता है ना, उसको जायका है गोश्त का। अल्लाह ने उसकी जबान ऐसी बनाई है कि उसमें गोश्त को इसका एहसास करने वाले टेस्ट बड्स रख दिए, तो वो बकरी बड़े शौक से खा लेगा, और बकरी की जबान पे आप गोश्त रख दे वो नहीं खाएगी, थूक देंगे ये क्या है। घास रखेंगे बड़े शौक से खाएगी, हरी हरी घास खाएगी, वेजिटेरियन है। तो ये देखे ना कि अल्लाह ताला ने दो जानवर पैदा किए और दोनों का टेस्ट अलग बना दिया, कि जो जायका बकरी महसूस कर रही है वो जायका शेर महसूस नहीं कर सकता, और जो शेर महसूस करता है वो बकरी महसूस नहीं कर सकती। तो बकरी कयास कर ले कि यार ये इतनी घास रखी तो है, ये शेर क्यों नहीं खाता, भोगा क्यों मार रहा है, कम वक्त मारा तो मुझे क्यों खा रहा है, भाई तू भी खा ले, घास खा रही हूँ मैं, तू भी आके घास खा ले। उसको समझ में नहीं आएगी ये बात बकरी को, क्यों, वो शेर नहीं है ना, वो शेर होती तो समझ जाती। तो नबी को नबी जानेगा, गैर नबी नबुवत के मामलात को नहीं समझ सकता, कमा मार्फत नहीं है उसको उसकी। अब छोटा बच्चा नाबालिग है बिला तशबी, वो एक बालिग आदमी को नहीं समझ सकता, उसको कितना पढ़ा दें आप, रटवा दें छोटे बच्चे को, यूँ ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, एक समझदार आदमी एक बालिग आदमी ऐसा होता है, उसके ये ख्यालात होते हैं ये जज्बात होते हैं, वो बोलेगा कि अच्छा याद कर लेगा पूरा, रट्टा लगा लेगा, समझेगा कख भी नहीं, क्योंकि उस पर वो वारिद नहीं हुआ ना, बुलुगत अभी वारिद नहीं हुई इस पर, तो क्या समझेगा वो। जवान आदमी बुढ़ापे को नहीं समझेगा, इस पर वो भी है ना लतीफा मैंने पढ़ा कि जो यानी हमारे जैसे नौजवानों पर वो फिट आता है, कि ये जब बूढ़े हो कोई एक शख्स इनमें से बूढ़ा हो गया और एक दफ़ा चल रहा तो ठोकर लगी तो गिर गया, तो कहने लगा हाय जवानी, तो फिर खड़ा हुआ कपड़े झाड़े इधर उधर देख के अब अपने आप को कह रहा है कमबख्त जवानी में कौन से तीर चलाए थे, जवानी में भी ऐसा ही था। तो इस लतीफे को हटा कर कि हमारे हाल तो ऐसे ही है ना, लेकिन फिर भी हम अपने जवानी में और अब बुढ़ापे में फ़र्क कर सकते हैं, यार पहले मैं ये काम कर लेता था अब नहीं कर सकता, पहले मैं इतनी दूर तक देख लेता था अब चश्मा लगाना पड़ता, पहले तो ये मैं सुन लेता था, पहले मैं इतना चल लेता था पैदल अब तो सांस फूल जाता है। बुढ़ापा क्या है ये बूढ़ा समझता है, जवानी क्या है ये जवान समझता है, मर्द होना क्या है ये मर्द समझ सकता है, बच्चा नहीं समझ सकता। तो इसी तरह अकलमंद होना और बेवकूफ़ होना, बेवकूफ़ होना, बेवकूफ़ आदमी अकलमंद की अकल को नहीं जान सकता, और अकलमंद आदमी बेवकूफ़ होने को नहीं समझ सकता कि बेवकूफ़ होना क्या होता है। एक ज़हीन उस्ताद एक छोटे जो है ना यानी
कम यानी कुंद जहन बच्चे को कूट रहा होता कि तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा ये, सजा दे रहा होता उसको, अरे भाई क्यों मार रहे हो उसको, नहीं उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा, मैं इसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझेंगे क्यों नहीं समझ में आ रहा उसको, वो तो कुंद जहन बच्चा है, आप उसको कूट रहे। तो अकलें मुख्तलिफ हैं, आप जिस स्टेज से गुजरे नहीं उस स्टेज का इदराक आपको हासिल नहीं होने वाला नहीं। तो हम तो चले एक और, एक शख्स है उसकी औलादें हैं और दूसरा है वो गैर शादीशुदा है, औलाद भी नहीं है इसकी। अब वो रो रहा है औलाद वाला, यार मेरी औलाद ये तंग कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये जो अभी शादी नहीं इसकी हुई वो क्या समझेगा उसको दुख? नहीं समझ, इदराक उसका कर सकता है? नहीं कर सकता। किसी के सर में दर्द हो जाए और किसी को कभी सर में दर्द ना हुआ हो, अब वो लाख बोले कि हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे सर में दर्द है ना, लेकिन वो नहीं समझ रहा। हार्ट पेशेंट जो है उससे पूछे कि हार्ट पेशेंट क्या होता है, और जो हार्ट पेशेंट नहीं है उससे पूछे कि हार्ट पेशेंट क्या होता है, वो बोलेगा पता नहीं क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। हाँ दिल में दर्द होता है यार, यहाँ पे दर्द होता होगा इस तरफ शायद, क्या कैफियत है उसकी, नहीं समझ सकता। ये इदराक मिल सकता है, जैसे सालिक है वो चाहता है कि मुझे वो इदराक मिले। तो पहले हम अपनी बात एक बात जो मुकम्मल कर लें वो ये कि ये इदराक जब तक उससे गुजरेगा नहीं उस वक्त तक नहीं पता चल सकता है सर, ये अकल ये शऊर ये एहसास नहीं हो सकता उसको जो इस स्टेज से गुजरा ना हो। बाज लोग तो शायर देखें आप, बिला बेधड़क अल्लाह ताला पे कलाम करते हैं, कुछ शायर ऐसे बेबाक है, या अल्लाह तुझे पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, मेरा महबूब बिछड़ गया, मेरा ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं ये हूं मैं वो, तो तेरी तो औलाद नहीं है, तेरा महबूब नहीं बिछड़ा, तेरे को क्या पता जुदाई का, बिला यानी जैसे कहते हैं नकल कुफर कुफर ना बाशद, ऐसे कुफरियां कलाम अल्लाह के बारे में कर देते। मैंने सुना एक एक दो का, मैंने कहा यार क्या बोल रहा है ये, और बोले चले जा रहा, लोग बड़े उस पर वो डोंगरे बरसा रहे हैं, अरे वाह सही कह रहा है भाई, वाह अल्लाह बस तो बस तक फिर अल्लाह कह रहा सही कह रहा है, ये महबूब जिनका बिछड़ा हुआ होगा ना तो वो वाकई सारों के सर जोड़ के बैठे हुए होंगे सारे, हाँ यार सही कह रहा है यार ये, अब अल्लाह ताला का तो कोई ऐसा मामला ही नहीं है। ठीक है अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों से पाक है, लेकिन वो ये बात है कि वो बगैर गुजरे इन चीज़ों को जानता है, उसने बनाया है। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह, उसको जरूरत नहीं है इदराक में इदराक की, उसको इदराक की हाजत नहीं है, वो है कि वो खुदा है, हम खुदा को क्या समझ सकते हैं, हम खुदा तो नहीं है ना, तुम खुदा को क्या जानेंगे कि खुदा क्या है। जब एक बे औलाद आदमी बाप की कैफियत नहीं समझ सकता क्योंकि वो उस स्टेज पे नहीं आया, छोटा बच्चा बड़े आदमी की कैफियत नहीं समझ सकता क्योंकि उस स्टेज पे नहीं आया, तो मखलूक खुदा को कैसे समझ सकती है कि वो कैसा है, नहीं नहीं समझ सकती ना, नहीं कयास नहीं कर सकते। यही बात है कि उसके जात का इदराक अकलन महाल है। ये तो इल्म हमें वही के जरिए आता हुआ है कि वो ऐसा 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 है, वो बगैर गुजरे वो कामिल अकमल मुकम्मल, उसके लिए हम जो अल्फाज बोलें कमाल के वो भी उसकी पूरी तर्जुमानी नहीं कर सकते, तो उसकी कैफियत उसके सिफात को पूरी तरह जाहिर नहीं कर सकते, वो हम हमारी अकल की इंतहा है, हमारे इल्म का नुक्ता कमाल है कि हमने इतना समझा उसको। तो बिला तशबी जैसे अल्लाह तबारक व ताला बगैर गुजरे कैफियात से गुजरे बगैर कैफियात को जानता है,
वो भूखा नहीं होता लेकिन वो भूखे की कैफियत को जानता है। वो उसका महबूब नहीं बिछड़ा लेकिन वो बिछड़े हुए महबूब के गमजदा को के गम को जानता है। उसकी औलाद नहीं है लेकिन वो औलाद वाले के कैफियत को जानता है क्योंकि वो बनाया बनाने वाला है। वो उसने फरमा दिया अला यालम मन खलक, क्या वो ना जानेगा जिसने पैदा किया। अच्छा ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये इदराक और ये शऊर वो जिसको चाहते अता कर देता है अंबिया किराम को। वो बगैर गुजरे बहुत सारी चीज़ों को जानते। जैसे आपने कहा था ना कि वो जो इससे यानी जो ना गुजरा नहीं तो वो कैसे समझेगा इसको। नहीं वो जानते कि अल्लाह ताला ने उनमें शऊर पैदा कर दिया ये वाला। जैसे जब इंसान बड़ा होता है तो उसको बड़े होने का शऊर अल्लाह ताला की तरफ से खुदा आता हो जाता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, शऊर आ जाता है ना उसको। तो शऊर अल्लाह ताला की तरफ से एक इल्म है जो अता होता है और वो दिल में पैदा होता है। इसी तरह जब इंसान वली बनता है तो उसके दिल में विलायत का इल्म आता होता है, विलायत के शऊर पैदा होता है उसके दिल में, जो गैर वली को नहीं होता। तो बताइए वली तो कोई जो नहीं कैसे पहचानेगा, नहीं पहचान सकता। औलियाई तहत रिदाई, अल्लाह ताला की हदीस पाक है ना, हदीस कुदसी के मेरे औलिया मेरे खास पर्दे में है, तहत रिदाई मेरे पर्दे में है, उनको सिवाय औलिया के कोई नहीं जानता। वली को वली पहचानता है, जैसे कहते हैं ना चोर को चोर पहचानता है, वली को वली पहचानता है, ऐसी बात है। क्योंकि वो कैफियत जानते हैं एक दूसरे की, चोर चोर की कैफियत जानता है और वली वली की कैफियत जानता है। तो अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम अजमाइन को ये, क्योंकि वो रहनुमा है, जो अपने मातहत की कैफियत को नहीं समझता वो उसकी रहनुमाई कैसे करेगा। नहीं नहीं कर सकता रहनुमाई। फिर भी अल्लाह ताला के नबियों ने बशरी हैसियत में वक्त गुजारा, करके दिखाया, बीमारी झेली, तकालीफ सही, दबाव बर्दाश्त किया लोगों का, मुआशरे में जो एक आम आदमी के साथ होता है वो उन्होंने अपने आप को पेश किया कि ऐसे इनको करके दिखाओ। तो उन्होंने इस जहान के कानून के मुताबिक अपना इख्तियार नहीं इस्तेमाल किया बल्कि करके दिखाया। शिफ्ट कर देते सब मसले हल हो जाते। अरे क्या उनके इख्तियार में क्या नहीं था, नहीं था। बेइख्तियारी की बात नहीं है लेकिन ये बेइख्तियारी कौन सी वाली है, पार्ट ऑफ द गेम है ये खेल का हिस्सा है। अगर इख्तियार इस्तेमाल कर लेंगे तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, वो लुत्फ ही नहीं रहेगा इसमें, गेम का मतलब नहीं है। हाँ ना भाई, आप भी बिला तशबी अगर आप किसी गेम में बगैर किसी कानून के आ जाए तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। भाई जितनी मर्जी मरता मर्जी में आउट हो जाऊँ, आउट नहीं है मेरा भाई। क्यों आउट नहीं है तो फिर क्या मज़ा आएगा आपको, आउट तो आपने होना नहीं है तो फिर खेल तो ना रहा ही है, फिर तो कुछ और हो गया। नहीं आप भी कहेंगे नहीं भाई अगर मैं आउट होगा तो आउट है, बेटा बॉल करा रहा बाप आउट हो गया तो आउट मारना पड़ेगा। ठीक है बाप का एहतराम है लेकिन कानून के तहत है, बाप कह सकता है चल भाई और अभी जाना मैं नहीं कर रहा तो मुझे और जाना बॉलें करवा, तो वो कह सकता है ना भाई बाप है वो कानून से मावरा है। अगर वो अपनी मावराइत शो करे तो फिर मावरा हो जाएगा, खेल ख़त्म हो जाएगा लेकिन खेल नहीं रहेगा फिर वो। तो अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम अजमाइन को बिला तशबी इस दुनिया के जो कवानीन हैं इनसे बहुत ऊपर के इख्तियारात होते हैं इनको, बहुत ऊपर के। लेकिन वो अपने आप को दुनिया के, क्योंकि दुनिया का कानून अल्लाह ने बनाया है तो वो कभी भी अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून को नहीं तोड़ते जब तक हुक्म ना हो, इजाज़त ना हो, वो उसी के मातहत चलेंगे जैसे आम आदमी है।
قل انما انا بشر مثلكم, تم فرماؤ, میں تم فرما دو ان کو کہ میں تو تم جیسا آدمی ہوں. یعنی اس دنیا کی حد تک بشریت کے جہاں تک معاملات ہیں تو بشریت میں تم جیسا ہوں, جیسے تم کو تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے, تم کبھی کبھی کوئی چیز بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں, دنیا کے معاملات میں ہو جاتا ہے, کبھی بھول چک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سارے معاملات بشریت والے ہیں, کوئی فرشتوں والے معاملات نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے, کہ جن کو نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے, نہ ان کو کوئی تکلیف ہو, نہ کوئی ان کو معاملات ہو, نہ ان کو کوئی رشتہ دار ہو, نہ کوئی ان کو اولاد کے مرنے کا دکھ ہو, نہ ان کی اولاد ہو نہ اولاد کے مرنے کا دکھ ہو, نہ ان کی شادی ہو نہ بیاہ, کچھ بھی کوئی رشتہ ہی نہ ہو ان کا, ایسا نہیں ہے. بشری تقاضے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, اس لیے ان کو بشر بنا کے بھیجا تاکہ ان کو معرفت, وہ اس چیز سے گزریں گے انبیاء کرام تو پھر تبھی تو رہنما بنیں گے ان کے. تخلیہ روح کیا چیز ہوتی ہے, سنا ہے روح کو, یہ بھی ہو جائے نا پورا اچھا باقی ہے. اچھا کیونکہ ایک ہی عقیدہ ہوا ابھی تک تو آگے ہم دیکھیں گے تو اس میں پھر عقیدہ تھوڑا سا وہ اس میں اور تفصیل اس میں ہے. تو اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے, کہ جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے عقل اس کو گھیر لیتی ہے, محیط ہو جاتی ہے, معنی گھیر لیتی ہے, اور اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا, کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا, یعنی اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے جیسے ہم کسی چیز کو پورا ادراک کر لیتے ہیں, اس کو پورا پرکھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی پرکھ نہیں سکتا ایسے, کہ جو عقل, کوئی عقل ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کا پتہ چلا لے, کوئی ایسی نہیں ہے. البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے, یعنی اس کے جو کام ہیں اجمالاً اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے, اور صفات کے ذریعے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا, اس کے اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائیے اور غلطی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے سمجھنے سمجھانے کی. تو تین عقیدے آج ہو گئے, انشاءاللہ اگلے اس میں ہم چوتھے کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو عقیدہ انا بشر والی جو یہ آئے تھے اس سے کچھ لوگ جو ہے وہ بعض اللہ گستاخیاں کرتے ہیں, وہی نا وہ اپنے پر قیاس کر لیتے ہیں تو غلطی تو کریں گے. نبی خود کہاں فرما رہے ہیں, وہ تو حکم ہے, قل تم فرما دو, انما انا بشر مثلکم, میں دیکھنے دکھانے میں, بشر کہتے ہیں دیکھنے دکھانے کی بات, بشر کہتے ہیں وہ مخلوق جس کے کھال پر بال نہ ہو, یعنی اس کے کھال کو بال چھپائیں نہیں, جیسے ہمارے کھال پہ بال ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو بالکل ریچھ کی طرح چھپاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کھال پہ ہمارے ہلکے ہلکے رواں ہوتے ہیں, بال ہوتے ہیں جسم پہ, تو جسم ہمارا ظاہر ہوتا ہے, صرف ہلکا سا وہ اللہ تعالیٰ نے زینت دی ہے تو چلو داڑھی آ جاتی ہے, سر پہ تھوڑے بال آ جاتے ہیں, لیکن وہ چہرے کو بالکل چھپاتے نہیں ہیں بلکہ اس کو زینت دیتے ہیں, ایک شیپ دیتے ہیں, چہرے بھی چہرے کا حصہ ہے داڑھی بھی. تو دیکھنے دکھانے میں تم جیسا ہوں, بشر کا معنی ہوتا ہے ظاہری شکل و صورت, بشر کا معنی کیا ہوتا ہے ظاہری شکل و صورت. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ آدمی ہونے کو تو میں تم جیسا ہوں, یعنی دیکھنے دکھانے میں تو میں تم جیسا ہوں, میری بھی دو آنکھیں ایک ناک ایک چہرہ دو کان سر پاؤں ہاتھ, میرے بیوی بچے بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں, یعنی میں فرشتہ نہیں ہوں کہ جس کو کوئی احساس ہی نہ ہو, جس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو, میں جن نہیں ہوں,
आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ। मैं और कोई आसमानी ज़मीनी और पानी की मखलूक नहीं हूँ, मैं तुम जैसा ही हूँ, यानी मैं तुम्हारी हर बात समझता हूँ, हर एहसास तुम्हारा मुझे भी होता है। ये तो इल्म की ज़्यादती के लिए है कि मैं भाई हम भी तुम में से हैं, हमको पता है तुम्हारे अंदर क्या है, तुम जो हो हमें पता है कि तुम क्या हो, क्योंकि मैं भी तो वही हूँ। क्या बात, ये इसलिए नहीं है कि मैं उतना ही हूँ जितना तुम हो, आगे है ना, यू हाई लैया, मुझ पर वही की जाती है। अब वही से तो अलग हो गया ना सारा मामला, अब सब पे तो वही नहीं की जाती। अब वही का माना है अल्लाह तबारक व तआला सबसे छुपा के दिल में कोई बात डाल दे, उसको वही कहते हैं। क्या बात, क्योंकि बराबर वाले को नहीं पता और दिल में कोई बात आ गई, उसको वही कहते हैं। अच्छा, वही है नबूवत, वही गैर नबी को भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो नबूवत की वही नहीं होती। वह अवहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही फरमाई, तो वो वही नबूवत नहीं थी, बल्कि वो कि ये था हुक्म था कि मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करो और पानी में डाल दो। उनको फरिश्ते के जरिए होती है? नहीं नहीं, डायरेक्ट दिल में हुआ, दिल में हुआ, इल्हाम हुआ था। ये इल्हाम, यही वही इल्हाम है ना, अल अलकी ही फिल यम्मी, क्या है वो हमारे वो जो अल्फाज है ना बेटे, अन अलकी ही फिल यम्मी, तुम इसको डाल दो पानी में डाल दो इसको, तो हमने वही फरमाई थी। तो वही अल्लाह तबारक व तआला ने अवहैना इला नहली, हमने शहद की मक्खी की तरफ वही फरमाई, तो वही तो शहद की मक्खी की तरफ भी हुई, तो वो कोई नबी थोड़ी बन गई। वही है नबूवत, नबूवत नबी होने की वही सिर्फ अंबिया किराम के लिए होती है। अच्छा, अब यहाँ से मामला अलग हो जाता है कि वही जो है वो इल्म का ज़रिया है और इल्म का मंबा है। वही माना रूहानी डाउनलोडिंग, अब हमारा मोबाइल ही है, इसमें जितनी डाउनलोडिंग हो सकती है, जितने बड़े नेट से कनेक्ट होगा, जितना बड़ा मामला होगा, मोबाइल मोबाइल तो वही होता है, देखने में एक ही जैसा होगा, लेकिन एक जो है वो सुपर कंप्यूटर है और एक जो है वो उस पर जो है वो G1, G2, G3 चल रहा है, अभी एक पे G10 चल रहा है। चलो अब G10 वाला G2 वाला G10 के मुकाबले पे नहीं आ सकता, हालांकि दोनों मोबाइल हैं, ये कहाँ वो कहाँ, और G1000 कर लें अगर फ़र्ज कर लें, जी से समझ लें आप कि आम आदमी G1 पे चल रहे हैं और अंबिया के राम जो हैं वो G1000 पे, अगर समझने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, कयास कर लें तो कितना फ़र्क हो जाएगा, और अगर करोड़ पे चले जाएँ और अरबों खरबों पे चले जाए, तो देखने में तो मोबाइल एक जैसे है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम, लेकिन यूहा इलैया से आदमी होने को तो मैं तुम जैसा हूँ, लेकिन मुझ पर वही की जाती है। अब वही किससे आ रही है, वो किस जात से राब्ता हो गया इनका, अल्लाह से, कादिर भी है, कदीर भी है, अलीम भी है, समी भी है, बसीर भी है, वो अपनी सिफात इनमें डाउनलोड कर रहा है। इनको कायनात के राज बता रहा है। उंगलियों से चश्मा निकाल रहा है, किसकी उंगलियों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल के दिखाया ना चश्मा, कहाँ से पानी आ रहा था, कौन सा फार्मूला था उंगलियों से पानी निकालने का। भाई इस कायनात में कोई चीज़ बगैर फार्मूला के नहीं है, फार्मूला था उसका कोई, वो कोड है, वो कोड हमें नहीं पता, सरकार को पता, उन्होंने किया तो आ गया, तो वही बात है।
एक कोड ये है कि समझाने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मेराज की शब अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा, फवदा यदहु बैना कतिफैया, कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा, फवजद तुबरदहा बैना सदैया, हाँ, और मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की, तो मैंने जान लिया जो कुछ ज़मीन और आसमान में है। क्या बात है। अब अल्लाह तबारक व तआला के इल्म देने के अपने अपने तरीके ज़रिए, कभी वही के ज़रिए, कभी मेराज के ज़रिए, कभी दस्ते कुदरत सीने पर रख कर यानी कंधों के दरमियान रख कर, कुछ ऐसे दे दे, और डाउनलोडिंग है ना। अब क्या ये शख्सियत बशर होने के बावजूद आम आदमी में शुमार हो सकती है, जिसको अल्लाह ने इतना कुछ दिया हो? नहीं हो सकती ना। कुफार ये फर्क नहीं करते, मुनाफिकीन भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं देखो वो हम जैसे तो हैं, किस हैसियत में तुम जैसे है? सिर्फ देखने दिखाने में। उनका कलमा अलग, वो कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु इन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और कोई ये कलमा पढ़ ले तो काफिर हो जाएगा। कोई कहे मैं अल्लाह का रसूल हूँ उम्मतियों में से, तो हो गया काफिर। उनकी नमाज अलग, उनका रोज़ा अलग, उनके रोज़े सोमे विसाल, उनकी नमाजें बिल्कुल अलग। हाँ, जो जब वो हमें पढ़ाते थे यानी सहाबे किराम को, तो वही मुख्तसर मुख्तसर से, जो ख़ुद पढ़ते थे तो पता नहीं क्या हाल होता होगा। जब हमको पढ़ाते थे यानी उम्मतियों को, तो फिर तो अगर पीछे औरतें भी उस वक्त आती थी ना, फरमाते कि मैं किसी किरात को लंबा करने का इरादा करता हूँ, फिर मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। अब बताओ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान कहाँ कहाँ है? अगर हम बोले तो हमको लोग बोलेंगे हमें कहाँ सुन रहा भाई, लेकिन वो तो केयरिंग है ना कि पीछे इसकी माँ परेशान हो रही होगी। तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ, रब से भी बात हो रही है और मखलूक का भी ख्याल है, ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर सकते हैं, ऐसा और तो कोई नहीं कर सकता। तो ये जो गुस्ताखी का जुमला है कि वो तो हम जैसे हैं, ये सिर्फ बशरी मामलात में है। इसमें ये तो कुफार का भी अधीन है। हाँ, वो कुफार का तरीका है और मुनाफिकों का तरीका है। मुनाफिक काफिर ही होते अंदर से, वह कलमा पढ़ लेता है जान बचाने के लिए। इनका कयामत के दिन इनका मामला अलग होगा मुसलमानों से, और कुफार से भी अलग होगा। इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल असफल मिनन्नार, बेशक मुनाफिकीन आग के निचले से निचले दर्जे में है। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते? बड़ी तादाद कहाँ है, थोड़े से ही है, 2% भी नहीं है। प्रोपेगंडा ज्यादा होने से क्या होता है, एक मछली गंदा कर देती है। हाँ, फिर किसी कैफियत में वो हम जैसे नहीं ना, खाने में हम जैसे हो, 15-15 दिन खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, कभी अपने आप को जाहिर, वो तो उनसे जाहिर हो जाता है। ना आपके निकाहों की तादाद आम आदमियों की तरह है, ना आपकी औलादें, नसब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटी से चला आम आदमी के चले कैसे, नहीं है ना।
किस बात को समझते हैं यार हम? जैसे सवाल पैदा नहीं होता कैसे हम जैसे ये आड़ बनाते हैं, असल में तो अपने दिल की निकालते हैं ये कॉल। हम भी तो पढ़ते हैं, सुननी भी तो पढ़ते हैं ये कॉल। तो क्यों नहीं कह देते, क्यों नहीं बदतमीजी कर देते कि हम भी तुम्हारे जैसे, तुम भी हमारे जैसे? कोई कहता है सही ना? वो सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर और आज तक के जो कोई कम तरीन मुसलमान होगा वो यही कहेगा, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। ये नहीं कहते हम जानते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से किसने पूछा, आप बड़े हैं या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहने लगे बड़े तो सरकार ही हैं, मैं 2 साल पहले पैदा हुआ था। किसी से पूछा कि वो जो ना हुलिया बयान कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों का जिक्र आया, तो पहले उन्होंने जो ना बताया कि जैसे ये उंगलियां ना, फिर कहने लगे नहीं मेरे तो वैसे नहीं है उंगलियां, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है उंगलियां तो सरकार की ऐसी स्थिति तो मेरी वैसी नहीं है। एकदम उन्होंने कहा कि नहीं मैं उस तरह यानी उस लेवल पर आके बात नहीं करूँगा कि मैं उनके जैसा हूँ, मेरी उंगलियाँ वैसी हैं। ना ना सवाल ही पता नहीं। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इरशाद ना फरमाए तो इस उम्मत ने तो खुदा बना लेना था। अरे इस अलैहिस्सलाम ने 6 मुर्दों को जिंदा किया, ठीक है, तो कौम ने इनको खुदा मान लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो उम्मतियों यानी उम्मत ही जिंदा कर देते हैं मुर्दों को। दिलों को जिंदा करना ज्यादा मुश्किल है। अंधों को बीना कर देना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन दिलों को या अंधे दिलों को बीना कर देना ये ज्यादा मुश्किल है। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी है। तो ये कहना गुस्ताखी ही है कि वो हम जैसे हैं या हम उनके जैसे हैं, ऐसा कोई ना सोचता ना कोई कहता है। अगर कोई इस तरह कहता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने निफाक और बुग्ज को जाहिर करता है और कुछ नहीं है। तुझे क्या मौत पड़ती है भाई, तू क्यों उनके जैसा बनता है, तू है ही नहीं जब ऐसा। कैसी से मेरी बात हुई, मैंने कहा क्या बोले, वो तो हम जैसे। मैंने कहा तुझ पे कुरान उतरा, बोला नहीं। मैंने कहा तो फिर तू उनके जैसे कैसे हो गया, तू उनका कलमा पढ़ता ही है, वो तेरे कलमा पढ़ते हैं, तू जब तक उनका नाम मिलेगा जन्नत में नहीं जा सकता। क्या वो भी तेरा नाम लेने के पाबंद है? जब तक उनका कलमा ना पढ़ ले जन्नत में नहीं जा सकता तू। कि उनके किसी एक बात पर दिल में तेरे ख्याल आ गया तो ईमान से खारिज हो गया। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ए महबूब तेरे रब की कसम, क्या बात, तेरे रब की कसम, क्या बात, ना युमिनूना, बड़ी प्यारी बात है, ये ईमान वाले नहीं होंगे ये। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, यहाँ तक के अपने झगड़ों में तुमको अपना बादशाह और हाकिम माने। युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम वला यजिदू फी हरजन फी अनफुसिहिम, क्या है, और वो अपने दिलों में कोई तंगी महसूस ना करें उस फैसले के बारे में, ए महबूब जो तुम कर दो इनके बारे में। वयुसल्लिमू तस्लीमा, और उसको दिल से तस्लीम करें, दिल से तस्लीम करने की कैद है। तो दिल में भी कोई ऐसी बात नहीं लानी कि ये क्या फैसला कर दिया मेरे खिलाफ हो गया। जो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको मारा था ना मुनाफिक को, यहूदी से जो उसका झगड़ा था, तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया था, उसने कहा कि मैं ये तो मैं नहीं मानता, उमर के पास चलते हैं। तो ये आयत उसकी है। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारा फैसला करता हूँ। ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ٹھیک ہے فلا وربك سورہ نساء اور آیت نمبر 65 ہے تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپس کے جھگڑوں میں تم کو حکم تسلیم نہ کرے پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائے اس فیصلے کی وجہ سے جو اے محبوب تم نے کیا اور اس کو خوب خوب تسلیم کر لیں دل سے مان لیں اس کو ایسا کسی قاضی کے بارے میں ہے کہ دل پہ بھی حاکم ہے وہ اگر کوئی کسی بڑے سے بڑے کا فیصلہ دل سے نہیں مانتا لیکن ظاہر میں تسلیم کر لیتا تو مومن ہی رہے گا کافر نہیں ہوگا یا کافر ہو جائے گا سرکار کی بارگاہ میں اگر اس نے دل سے نہ مانا تو کافر ہو جائے گا کہتے ہم جیسے ہیں تو کیسے ہم جیسے بھائی اذان میں ان کا کلمہ ہے ایمان کا کلمہ ان کا کلمہ ہے یعنی حیرت کی بات ہے سمجھ میں نہیں آتی جیسے ہم ان کا کفر سمجھ میں نہیں آتا جیسے ان کو ہمارا ایمان سمجھ میں نہیں آتا وہی بات ہے کہ دو الگ الگ جنسیں ہیں ایک دوسرے کو کیسے سمجھیں گے نہیں سمجھ سکتے ایک دوسرے کو مومنوں کو کفر سمجھ میں نہیں آتا بھائی کافر کیوں بن گئے تم اور کفار کو ایمان سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی ہم کیوں ہم ایمان کیوں لائے وہ تو ہم ہی جیسے تھے کتنا بڑا مان ہے ان کو آخر بڑے بھائی کے برابر مان لو چلو کہتے ہیں اور اس سے بھی کمی ہی کرو کہتے ہیں نا بڑے بھائی مانو لیکن تو اس میں بھی کمی کرو کوئی بات نہیں اپنے برابری بالکل اپنے جیسے سمجھ لو تو کوئی بات نہیں یہ کلمہ ایمان ہے یا کلمہ کفر ہے یہ کلمہ کفر ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ مرتبہ فرمایا ہو اے میرے بھائی میرے لیے دعا کرنا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ماشاءاللہ تو اب کسی اور کو یہ کیسے مجال ہو جائے گی وہ بھی ایسے کہہ دے او میرے بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تو منع ہے کہ تم نے ایسے مت بلانا ان کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں آواز اونچی نہ کرنا کوئی کسی کے سامنے کتنا اونچا بول دے کیا کافر ہو جائے گا یہاں ہو جائے گا ذرا سا اونچا ہونے ناگوار ہوا کیسے بول رہا ہے اس سے ناگواری آگے سرکار کی شان تو الگ ہی ہے ہم تو ایسا نہیں کر سکتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہو گیا کہ یہ کیسے اونچی آواز میں بول رہا ہے کافر ہو گیا وہ بندہ سب اعمال ختم ہو گئے نہ اس کا جہاد اس نے بھلے بازو کٹائے ہوں آنکھیں نکالی ہوں اپنی جہاد میں بچے دیے ہوں اپنے مال سارا خرچ کر دیا ہو ہجرت کر لی ہو جان مال سب لٹا چکا ہو آزا کٹوا لی ہوں بس اونچی آواز میں بول گیا حج بھی ختم زکات بھی ختم ایمان ختم کسی نیکی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا اس کا اور تو شعور بھی نہیں ہوگا ہاں انتم لا تشعور تمہیں شعور بھی نہ ہو یہ برابر کیسے ہو گیا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتی عقل سلیم جو ہے نا ہمارے کو نہیں ملتی روزے میں ایک تو نیند بہت آتی ہے دوسرا پیاس بہت لگتی ہے آج کل تو موسم اچھا ہے لیکن جو لوگ کام دھندا کرتے ہیں مزدور ہیں انہیں پیاس لگتی ہے اور جو آفس والے لوگ ہیں نیند بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نیند بہت تنگ کرتی ہے لکھنا کچھ ہوتا ہے لکھ کچھ دیتے ہیں ٹائپ کچھ کر مطلب ٹائپ کچھ کر دیتے ہیں اور جو مزدور ٹائپ کے لوگ ہیں جو فیلڈ ورکر ہیں انہیں پیاس بہت لگتی ہے عادت نہیں ہے نا اس کے لیے عادت پہ بات دے دیں تاکہ تھوڑا یا سمجھ
या समद, समद या अल्लाह समद ऐसे पढ़ लें, या समद पढ़ लें या अल्लाह समद पढ़ लें, हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ लें तो इंशाल्लाह भूख प्यास नींद कोई कोई तंग नहीं करेगी कोई इंशाल्लाह। बेनियाजी है ना, तो अल्लाह की बेनियाजी बयान करेंगे तो इनमें भी कुछ ना कुछ बेनियाजी पैदा हो जाएगी हल्की फुल्की, तो खाने पीने से बेनियाज हो जाएंगे, सोने जागने से बेनियाज हो जाएंगे। ये नींद का आना और प्यास लगना अच्छी बात है, हर वक्त हर बात अच्छी भी नहीं होती और हर वक्त हर बात बुरी भी नहीं होती, मौके मौके की बात है ना ये तो भाई। अब कभी तो अच्छी होगी ये बात और कभी अच्छी नहीं होगी, आपको अहम बात चल रही है ठीक है और बंदा सो जाए तो ज़्यादा बार मिस कर जाएगा उसको, और अगर उस पर गम की कैफियत है दीगर मामला है तो अब उसको नींद आ रही हूँ आ रही, तो अब सकीना आएगी ताकि इसका दिल थमा रहे, टेंशन में ना आए ज़्यादा। ये सब रमज़ान में सुना है कि अपने मजदूरों पर या अपने मातहतों को रिलीफ देना चाहिए, बिल्कुल हदीस बाग में तो ऐसे ही है, हुक्म यही है ना कि तखफीफ कर दें थोड़ा सा कामों की, तखफीफ कर दें तो अल्लाह ताला तुम पे जो है तखफीफ करेगा। ताउन वाल बिर व तकवा, कि नेकी के और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो, ऐसे ही है ना कि ताउन किया जाए कि भाई वो रोज़ा रख ले परेशान ना हो, अल्लाह ताला अमल करें।